किसानों के भ्रष्टाचार पर ये जनता का आक्रोश है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। शिवराज के जंगल राज के खिलाफ निर्णायक लड़ाई, जन आक्रोश यात्रा 26 एवं 27 सितंबर 2023, 43 विधानसभा, टीकमगढ़ का नगर आगमन पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। विनीत यादवेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश शासन। श्रीमती सुषमा सिंह, सदस्य जिला पंचायत। शाश्वत सिंह, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस। भ्रष्टाचार को हराएंगे, कांग्रेस को लाएंगे। खेत खलिहान चलो चलो, मजदूर किसान चलो चलो, हाथों में लोधान चलो चलो, बदले सरकार चलो। सोमवार को कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बुंदेलखंड प्रभारी अरुण यादव कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा टीकमगढ़ जिले में लेकर पहुंचे, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया और जनता के बीच कांग्रेस की विचारधारा एवं कांग्रेस द्वारा जारी किए गए वचनों से लोगों को अवगत कराया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। जतारा विधानसभा में कांग्रेस के युवा नेता पंकज अहिरवार के नेतृत्व में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिस दौरान मंच पर एक दर्जन से अधिक उम्मीदवार एक साथ हुंकार भरते हुए दिखाई दिए। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। लेकिन मिशन 2023 मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनानी है और इसमें जताना हो, खड़गापुर हो, टीकमगढ़ हो, कोई विधानसभा पीछे न रह जाए। देखिए, जनता में बहुत ही उत्साह है इस यात्रा से। यह लगता है कि निश्चित ही मध्य प्रदेश में 2023 में सरकार बनेगी। जिस प्रकार से आपने पब्लिक में उत्साह देखा है, आदरणीय अरुण जी के साथ में निरंतर आपने जैसे ही जिले में प्रवेश किया, आप देख रहे हैं कंटिन्यू कम से कम 200-300 गाड़ी उनके साथ में चल रहे हैं और इस कार्यक्रम में 12 बजे से लोग बैठे हैं और आप अभी 7 बज रहे हैं, तो निश्चित ही पब्लिक में कमी नहीं आई है। मुझे लगता है कि निश्चित ही 2023 में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। बाहरी प्रत्याशी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, तो क्या पार्टी अरुण जी ने क्या कहा इस बारे में? देखिए, अरुण जी ने हम लोगों को माला पहरा कर स्वागत किया है कि जो हम आप क्षेत्रीय जो प्रत्याशी हैं, सारे प्रत्याशी आप लोग एक हैं, वो आप में से ही एक व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, किसी भी प्रकार से बाहर के प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जाएगा। आपके साथ ही बाहरी प्रत्याशी थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिले के अंदर जो भी लोग हैं, जिले के अंदर के व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, ये उन्होंने कहा है और सब लोगों को माला पहरा कर उनको स्वागत किया। किसानों के भ्रष्टाचार पर ये जनता का आक्रोश है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। शिवराज के जंगल राज के खिलाफ निर्णायक लड़ाई, जन आक्रोश यात्रा 26 एवं 27 सितंबर 2023, 43 विधानसभा, टीकमगढ़ का नगर आगमन पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। विनीत यादवेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश शासन। श्रीमती सुषमा सिंह, सदस्य जिला पंचायत। शाश्वत सिंह, प्रदेश महासचिव, युवा कांग्रेस। भ्रष्टाचार को हराएंगे, कांग्रेस को लाएंगे। खेत खलिहान चलो चलो, मजदूर किसान चलो चलो, हाथों में लोधान चलो चलो, बदले सरकार चलो।